तो गाइस कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल फिल्मी बॉक्स ऑफिस पर। बात करेंगे हाल ही में रिलीज़ हुई दो पंजाबी फिल्में जिनका की टाइटल है चल मेरे पुत 3 और दूसरी है मूसा जट जो कि एक डेब्यू फिल्म है जाने माने सिंगर सिद्धू मूसेवाला की। अगर बात करें सबसे पहले मूसा जट को लेकर तो आपको बता दूँ मूसा जट एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जो कि रिलीज़ हो चुकी है। और आपको बता दूँ गाइस इस फिल्म का क्रेज़ देखा जा रहा था स्टार्टिंग में काफ़ी हद तक, लेकिन अब इतना कुछ खास नहीं है। 6 दिन पूरे होते होते ये फिल्म ऑलमोस्ट क्लोज हो चुकी है सभी थिएटर से। आपको ये बात मैं बता दूँ गाइस। अगर बात करें फिल्म को लेकर और इस फिल्म के कलेक्शन को लेकर तो सबसे पहले बात की जाए लीडिंग कास्ट को लेकर तो लीडिंग कास्ट में नज़र आ रहे हैं सिद्धू मूसेवाला और वहीं इनको सपोर्ट कर रहे हैं इस फिल्म के अंदर एज एन लीड एक्टर याद ग्रेवाल और महावीर भुल्लर। इस फिल्म को डायरेक्शन दिया गया इस 2 डायरेक्टर्स ने मिलकर जिनका की नाम है कुशपाल सिंह और दिलशेर सिंह। वहीं अब बात करें फिल्म के बजट और प्लस कलेक्शन को लेकर तो बजट है गाइस इस फिल्म का एस्टिमेट 5 से 8 करोड़ रुपये। वहीं कलेक्शन की बात की जाए तो आपको बता दूं गाइस आज 6 दिन पूरे होते होते गाइस इस फिल्म के कलेक्शन में काफ़ी हद तक ड्रॉप देखने को मिल रही है। जहां पर गाइस जो इसका इंडिया से कलेक्शन आ रहा है अपने 6ठे दिन वो है अप्रोक्सीमेट 20 से 22 लाख रुपए बस गाइस। जिसके बाद इस फिल्म का जो 6 दिनों में कलेक्शन हो चुका है इंडिया से वो हुआ है कम से कम गाइस 2 करोड़ 80 लाख रुपए। जी हाँ, इसका एस्टिमेट इंडिया से यही कलेक्शन आ रहा है। वहीं बात करें ओवरऑल कलेक्शन को लेकर ओवरसीज़ मिला के तो वो हो चुका है गाइस 7 करोड़ प्लस ऑलमोस्ट। वैसे अगर इंडिया के टोटल कलेक्शन की बात की जाए तब तो इस फिल्म ने अपना बजट रिकवर करके हिट का वर्डिक्ट हासिल कर लिया है। अगर बात करते हैं इंडिया की तो इसको गाइस फ्लॉप का वर्डिक्ट मिलता है। आप इससे सहमत हो यानी कमेंट में बताइएगा। वहीं बात करें इस लिस्ट की दूसरी फिल्म चल मेरा पुत 3 को लेकर जो कि आउटस्टैंडिंग मूवी है और ये भी गाइज अब डुलती जा रही है बोले तो ड्रॉप आता जा रहा है इस फिल्म के कलेक्शन में। स्टार कास्ट काफ़ी दमदार थी बोले तो काफ़ी अच्छी फैन फॉलोइंग थी स्टार कास्ट की बोले तो अमरिंदर गिल अपोजिट फीमेल लीड सिमी चहल डायरेक्शन दी जनजोत सिंह ने जो कि गाइज जाने माने हैं तीनों ही अगर देखा जाए तो। वहीं बात करें फिल्म के बजट को लेकर तो फिल्म का बजट था गाइज एस्टिमेट 8 से 10 करोड़ रुपए। वहीं आज इस फिल्म के को रिलीज़ हुए ना 13 दिन पूरे हो चुके हैं बॉक्स ऑफिस पर तो जानेंगे फिल्म के 13 दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर ये कि ये फिल्म हिट हो रही है या फ्लॉप। 13वें दिन गाइज आते आते इस फिल्म के कलेक्शन में हमें ज़बरदस्त ड्रॉप देखने को मिल रहा है और जो ये कलेक्शन कर रही है अभी भी 20-22 लाख रुपये कर रही है मूसा जट के बराबर। ये फिल्म अभी भी होल्ड बनाए हुए है मार्केट में अगर सच कहूँ तो। वहीं बात करें फिल्म के टोटल कलेक्शन को लेकर तो आपको याद हूँ वो हो चुका है अभी तक कम से कम 23 करोड़ 20 लाख रुपए जो कि गाइस अपने आप में बहुत अमेजिंग कलेक्शन है देखा जाए तो। वहीं इसका बजट जो 10 से 15 करोड़ रुपए है और इसने बजट कलेक्शन काफ़ी हद तक ज़्यादा कर लिया है जिसके बाद जो उसको वर्डिक्ट मिलता है वो है गाइस ब्लॉकबस्टर का मेरे हिसाब से तो। इस दोनों फिल्मों को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। वीडियो आपको पसंद आई हो लाइक करना शेयर करना चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग कीप सपोर्टिंग बाय बाय टेक केयर।